आईपीएल शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन लगातार आईपीएल से बड़े खिलाड़ियों के बाहर होने का सिलसिला जारी है। अब एक और बड़ा खिलाड़ी इस साल के आईपीएल से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया है, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के कप्तान फाफ डू प्लेसी है। फाफ डू प्लेसी के लिए साल काफी दर्द भरा रहा है। भारतीय टीम जिस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी, तब भी उनकी उंगली टूट गई थी। उसकी वजह से वो भारत के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे। उंगली में चोट की वजह से वो 6 सप्ताह के लिए क्रिकेट से दूर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी की थी। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच के दौरान डू प्लेसी की उसी उंगली में फिर से चोट लग गई है, जो पिछले साल भारत के दौरे पर टूट गई थी। हालांकि इस चोट के बावजूद उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 120 रन की जुझारू पारी खेली। एक बार फिर से उनकी उंगली में लगी चोट की वजह से क्या वो इस आईपीएल से बाहर हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल अब सामने आ गया है। प्लेसी की चोट की वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शायद आईपीएल से बाहर हो सकते हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगर डू प्लेसी आईपीएल से बाहर होते हैं तो उनकी जगह पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।